आई मात्री, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इको यात्री। आज फिर से लेकर आई हूँ और एक नया व्लॉग के साथ। आज है थर्सडे। थर्सडे में मेरा इक्का दुक्का फ्लावर्स से खिला है, ज़्यादा फ्लावर्स नहीं खिला है। और उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दो दिन से मैं थोड़ा लेट से ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग कुछ माइंड मत कीजिए, क्योंकि मेरा वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है जिसके कारण इतना लेट हो रहा है। बट लेट हो रहा है मतलब इसके नहीं कि आप लोग नहीं देखेंगे, आप लोग प्लीज़ मेरा ब्लॉग को फॉलो करते रहिए। और सुबह को भी पोड़ी इडली बना के रिद्धि को स्कूल भेज रही हूँ और हम लोग भी पोड़ी इडली खाऊंगी, क्योंकि बस अब बैटर ख़त्म हो गया है, पोड़ी इडली और नहीं बनेगा, फिर नया बैटर के साथ फिर बनेगा। तो रिद्धि को थोड़ा बहुत बोलते जा रही थी, रिद्धि अच्छे से पढ़ाई करना, थोड़ा सा डिक्टेशन सब रेडी करना, ये सब बोलते बोलते फिर घर आके नहा के मैं पूजा स्टार्ट की। कृपा करी भूमि लोटाइए वृद्धा प्रणाम करिलो, आनंदित मने वृद्ध गृहे फिरिलो, वधूदे डाकि वृद्ध करिलो वर्णन, जे रूपे घटिल तार देवी दर्शन, व्रतेर विधान सबे वधूदेर बले, শুনি বধূগণ ব্রত করে কৌতূহলে, বধূদের লয়ে বৃদ্ধা করে লক্ষ্মী ব্রত, হিংসাদেব স্বার্থভাব হইল তিরোহিত, মা লক্ষ্মী করেন তত পুনরাগমন, অচিরে হইল গৃহ শান্তিনিকেতন। थर्सडे है, गुरुवार, बृहस्पतिवार लक्ष्मी पांचाली तो पढ़ते हैं, लक्ष्मी जी का जो पांचाली होता है वो हम पढ़ते हैं। तो ये पढ़ के जल्दी करके फिर ऑफिस स्टार्ट करने से पहले मैं खाना थोड़ा बना ली, मतलब मेरा कुक तो आएगा, कुक जो बनाएगा बनाएगा। मेरा हस्बैंड ने बताया कि कुंदरी आलू पोस्तो तुमने बनाओ, तो उसके लिए पतला करके काटिंग कर ली। और ये है पोस्तो, पॉपी सीड्स का पेस्ट बना ली, थोड़ा सा ऑयल में काला जीरा कालंजी वो डाल दी और कुंदरी और आलू को दे दी। मतलब बोलने का मतलब यही था कि कुंदरी आलू पोस्त तो मेरा जो नेपाली कुक है वो नहीं बना पाता है, तो तुम बनाओ। नमक हल्दी भी दे दी, दे के बहुत अच्छे से फ्राई कर ली। फ्राई हो जाने का बाद इसको थोड़ा सा ढक दिए, थोड़ा सा एक मिनट दो मिनट के लिए। उसके बाद पोस्तो डाल के, मतलब पॉपी सीड का जो पेस्ट था वो डाल के और थोड़ा सा फ्राई करके बस छोड़ दी। हो गया है मेरा कुंदरी आलू पोस्तो का सब्जी। और ये देखिए राइस है, दाल है, लाव बोड़ी का सब्जी भी हुआ था, दाल भी हुआ था और कुंदरी आलू का पोस्त। थर्सडे का दिन हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो भेज में इतना ही हुआ था। अरे यूएस से फोन की है मेरी नीस, मेरी बड़ी जेठानी की बेटी, तो उसका नाम है बू दीदी। रिद्धि की बहुत फेवरेट बू दीदी है, उसका एक्चुअली सैलरी तो मिल गया है और वो मुझे हम लोगों को एक्चुअली स्वीट भेजेगी, तो उसके लिए सुबह को फोन की थी। तो रिद्धि को क्या क्या स्वीट पसंद है वही जानने के लिए। और ये देखिए उसका स्वीट बॉक्स पहुंच गया है घर, जोमेटो से घर भिजवा दिए। और घर में मतलब रिद्धि तो अभी है नहीं, तो रिद्धि का पसंद का स्वीट्स आ चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए रसमलाई जो रिद्धि को बहुत पसंद है, और काजू कतली वो भी रिद्धि को बहुत पसंद है। सोचिए उसका बू दीदी उससे काफ़ी बड़ी है, वो जॉब कर रही है यूएस में, सोचिए। और रिद्धि का साथ उसका इतना मतलब बॉन्डिंग है, इतना फ्रेंडशिप है, अब मैं क्या बोलूँ। बू दीदी मतलब उसका ध्यान ज्ञान सब कुछ है बू दीदी। सोचिए जैसे स्वीट बॉक्स आया तो सबसे पहले मैंने गोपू को दी, गोपू को स्वीट बॉक्स से मिठाई निकाल के दी और बोली कि बुड़ू का ब्लेसिंग देने के लिए। तो और चलिए फिर ऑफिस करने का बाद फिर से नेक्स्ट ड्यूटी जो रिद्धि को लेने के लिए जाना पड़ेगा स्कूल। ये है रिद्धि की स्कूल की फ्रेंड है सौरियम। उसके बाद फिर खाना वाना खाई, रिद्धि जा रही है डांस क्लास। बैक टू बैक हम लोग का डेली लाइफ में जो चलता है ना, एकदम बैक टू बैक मतलब शेड्यूल रहता है, इसीलिए मुझे ना डेली व्लॉगिंग एकदम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घिसा पिटा ज़िंदगी मेरा चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ रौनक है, ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शाम हो गया है, शाम को फिर दिया दिखाई, क्योंकि थर्सडे था, बृहस्पतिवार गुरुवार का दिया दिखा दी। उसके बाद यहाँ पे वो इन लोगों का रैली चल रहा था ना, वो जो इंडियन टीम का, फिर रिद्धि पढ़ने बैठी, पढ़ रही थी, मैथ्स बना रही थी। तो सब कुछ करने का बाद नेक्स्ट डे है हम लोग का अमावस्या पूजा, तो थोड़ा सा हम लोग को निकल के फिर अमावस्या पूजा के लिए फूल तो सुबह को ही लूँगी, फ्लावर्स ले ये लेना पड़ेगा, फ्रूट्स लेना पड़ेगा, फ्रूट्स एंड स्वीट्स को लेके फिर घर में रख देती हूँ।
तो रिधिका अब कब ख़त्म होगा उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, उसका होम टास्क वगैरह हो गया है, जस्ट मैथ्स कर रही है। फिर जब ख़त्म हो गया उसके बाद हम लोग आ गए संसार सेंटर में, संसार हाइपर मार्केट में आके फिर फटाफट करके फ्रूट्स ले ली, क्योंकि कल वीकडेज में एक्चुअली अमावस्या पूजा जब हो जाता है ना तो फिर हम लोगों सब कुछ हचपच हो जाता है, ऑफिस भी रहता है, पूजा भी ख़त्म करना पड़ता है। उनको पूछ रही थी ये सब ऑरेंज स्वीट होगा कि नहीं, तो बोले कि हाँ बहुत स्वीट है, आप लेके जाइए। तो यहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छा रहता है, और थोड़ा सा फ्रूट्स हम ले ली, उसके साथ थोड़ा सा सब्जी। फिर कमल ने बोला कि चलो थोड़ा सा चाय पी के आते हैं, तो रात को 9:30 बजे हम लोग चाय पीने गए थे मड कप्स, ये हम लोग का पुराना अड्डा है, यहाँ पे कमल आके चाय पीते हैं, इसका पूरा खाता खुल के रख दिया है कमल ने। तो बस थोड़ा सा चाय वही पी रही थी बिस्किट के साथ, और उसके बाद फिर घर जाके डिनर करूँगी, डिनर करके फिर सोना है। एकदम मेरा घिसा पीटा ज़िंदगी हर दिन का चलता है, इसीलिए मुझे डेली ब्लॉगिंग अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करूँ अब हो गया है। फिर मैं जो सुबह को बोल रही थी ना, बुड़ू फ़ोन की थी, आप बुड़ू को, बुड़ू अपना वहाँ पे 1 BHK घर लिए है, पूरा फुल सेटअप किए, फिर वो वीडियो कॉल की थी रिद्धि से बात करने के लिए, क्योंकि रिद्धि से तो बात नहीं हुआ था सुबह को, स्कूल गई थी, तो वही उसका वर्क स्टेशन दिखा रही है, पूरा 1 BHK घर दिखा रही है, बहुत सुंदर से सजाई है अपना घर को। दिखाओ बाहर दिखाओ, वाह ये बालकनी साइड है। बुड़ू छोटा छोटा प्लांट लेके आना, ब्यूटीफुल, लेके आके वहाँ पे प्लांटेशन करना। ओ अच्छा पिजन, बहुत सुंदर है उसका घर, बहुत अच्छा भी लग रहा था, अभी भी काफ़ी सारा चीज़ उसको बाकी है, वो सब मतलब धीरे धीरे मतलब रैप अप कर रही है, अभी अभी तो उसको मिला है। ये जो बेड है वो खुद ही इंस्टॉल की है, पूरा एकदम डिसम्बल था, उसको असेंबल की, और साइड में कुछ बोल रही थी स्टूल वगैरह ख़रीदना है, यहाँ से उसका नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है बेड से। तो वॉशरूम्स, फिर वॉशिंग रूम्स, फिर किचन, फिर भगवान जी को कहाँ पे रखी है और किचन में क्या क्या है, सब कुछ हम लोग को उसका मतलब घुमा के दिखा रही थी। वो तो ऐसे भी बहुत सुंदर से सजा धजा के रखती है, वो एकदम होम डेकर बहुत सुंदर से करती है। तो भगवान जी को अभी वहाँ पे रखी है, बाद में फिर बोली, मैं बोली एक स्टूल में रख देना भगवान जी को। तो वही सब हम लोग सब मिलके रात को आके बात कर रही थी, उसके बाद डिनर करके फिर सोने जाऊंगी। चलिए आज का व्लॉग यहीं तक रख रही हूँ। बू दीदी का साथ इसका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं, बट बुड़ू कभी बोर नहीं होती है इसके साथ बात करते हुए। चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर रख रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, फिर मुलाकात होगा नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।